हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टारडस में। और वी आर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 80s की हॉरर और बी ग्रेड मूवीज की हीरोइन सहिला चड्ढा के कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर के बारे में। वीवर सहिला चड्ढा ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी अफ्रीका दिली शीला से किया था। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी डेब्यू मूवी थी ना समाज और वीराना जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज का हिस्सा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सहिला चड्ढा का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं, तो आपने इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो चले वीवर वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो ये द्वारकेश की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अफ्रीका दिल्ली शीला ये कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी थी, जो कि सहिला चड्ढा की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी थी। और इस फिल्म में उनका साथ दिया था चरण राज और रंजीता ने। ये फिल्म 27 मई 1986 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। वैरिंद्र शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी नासमझ, फिल्म की लीड कास्ट में नाना पाटेकर, सहिला चड्ढा और लीना दास शामिल थे। ये फिल्म 1986 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। और विवर इसी तरह राम से ब्रदर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी वीराना, फिल्म की लीड कास्ट में जैस्मीन, हिमल बर्जे, सहिला चड्ढा शामिल थे। और ये फिल्म 6 मई 1988 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 50 लाख और फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 80 लाख के कलेक्शन की और एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई। मोहन जी प्रसाद की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी नाचे नागिन गली गली, फिल्म की लीड कास्ट में नितेश भारद्वाज, मीनाक्षी शिशाद्री, सहिला चड्ढा और सदाशिव अमरपाकर शामिल थे। ये फिल्म 1989 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। पी आर प्रताप की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जवानी के गुना, फिल्म की लीड कास्ट में राकेश बेदी, सहिला चड्ढा, टीना घई शामिल थे। और ये फिल्म 19 जनवरी 1989 को रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर इसे भी एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। गोविंद भाटिया के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अजनबी साया, फिल्म की लीड कास्ट में सहिला चड्ढा और अनिल धवन शामिल थे। और ये फिल्म भी 1989 को रिलीज हुई और एक एवरेज मूवी करार दी गई। डायरेक्टर बी के दुबे की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी 100 साल बाद, फिल्म की लीड कास्ट में हिम्मत बिरजे, सहिला चड्ढा, सूरज चड्ढा और डैनी शामिल थे। ये फिल्म 1989 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 18 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 34 लाख के कलेक्शन किए थे और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। डायरेक्टर केसर के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी प्यासी निगाहें, फिल्म की लीड कास्ट में अजिंक्या देव, सहिला चड्ढा, अनु कपूर और सुधीर शामिल थे। ये फिल्म 1990 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। और व्यूअर स्वरूप कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आवारा गर्दी, फिल्म की लीड कास्ट में आदित्य पंचोली, किमी काटकर, हिमेंद्र बिरजे और सहिला चड्ढा, रजा मुराद शामिल थे। ये फिल्म 1990 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज मूवी करार दी गई। और व्यूअर इसी तरह दीपक बलराज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सैलाब, फिल्म की लीड कास्ट में आदित्य पंचोली, माधुरी दीक्षित और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 31 अगस्त 1990 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सैलाब को एक एवरेज मूवी करार दिया गया। और व्यूअर दिलीप गुलाटी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जान लड़ा दूंगा, फिल्म की लीड कास्ट में हिमेंद्र बिरजे, सहिला चड्ढा, नताशा और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये फिल्म भी 1990 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। कोकू कपूर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आज का सैमसन, फिल्म की लीड कास्ट में हिमेंद्र बिरजे, सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 4 जनवरी 1991 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे भी एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया था। एनडी कोठारी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी धर्म संकट, फिल्म की लीड कास्ट में विनोद खन्ना, अमृता सिंह और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 6 सितंबर 1991 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे भी एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। किशोर व्यास की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी भाभी, फिल्म की लीड कास्ट में गोविंदा, भानुप्रिया, जूही चावला और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 23 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर इसे एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। अजय केशव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी माँ, फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, जयाप्रदा और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 5 दिसंबर 1991 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। अजीज सजावल के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आधरम, फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 21 फरवरी 1992 को रिलीज हुई थी। आधरम का बजट था 2 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 50 लाख के कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सीमा हिट फिल्म करार दिया गया। और व्यूअर जोगिंदर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी गंगा और रंगा, फिल्म की लीड कास्ट में सहिला चड्ढा, सुरेश चटवाल और अनिता चोपड़ा शामिल थे। ये फिल्म 1994 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 20 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 14 लाख के कलेक्शन किए और एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई।
और यूर सूरज आर भरजैदी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हम आपके हैं कौन। फिल्म की लीड कास्ट में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रीमा लागू, आलोक नाथ शामिल थे और इस फिल्म में सहिला चड्ढा ने रीटा का किरदार निभाया था। यह फिल्म 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 6 करोड़ 25 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 72 करोड़ 47 लाख की कलेक्शन की और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी करार दी गई। हरीश शाह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अब इंसाफ होगा। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, रोहिणी हिटांगडे, फारूक शेख, सहिला चड्ढा और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। यह फिल्म 6 जनवरी 1995 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 50 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 4 लाख के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। कवल शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी नमक। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, फराना, सहिला चड्ढा, शमी कपूर, रजा मुराद शामिल थे। ये फिल्म 20 दिसंबर 1996 को रिलीज हुई। नमक मूवी का बजट था 1 करोड़ 25 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 32 लाख के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। राकेश ककारिया की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लाखा। फिल्म की लीड कास्ट में अरुण गोयल, सहिला चड्ढा, साधु राज, कुलभूषण खरबद्दा और प्राण शामिल थे। ये फिल्म 14 नवंबर 1997 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 25 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 1 लाख के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। नदीम खान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी तिरछी टोपी वाले। फिल्म की लीड कास्ट में चंगी पांडे, मोनिका बेदी और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 11 सितंबर 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 75 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 26 लाख के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। कृति कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आंटी नंबर 1। फिल्म की लीड कास्ट में गोविंदा, रवीना टंडन, कादिर खान, हरीश और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 1 मई 1998 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 3 करोड़ 75 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ 34 लाख की कलेक्शन की और इसे एक बिलो एवरेज मूवी करार दिया गया। ठाकुर तपस्वी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बदला औरत का। फिल्म की लीड कास्ट में इकबाल दानी, सहिला चड्ढा, रजा मुराद और भारत कपूर शामिल थे। ये फिल्म 1 मई 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 20 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 10 लाख के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। शशिलाल के नायर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी 1 2 का 4। फिल्म की लीड कास्ट में शाहरुख खान, जूही चावला, जेकी श्रॉफ और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 30 मार्च 2001 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 12 करोड़ और इसने इंडिया में 6 करोड़ 64 लाख के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। राज मिशन की डायरेक्शन में बनने वाली भोजपुरी मूवी गंगा के उस पार सैया हमार। फिल्म की लीड कास्ट में गौरव दीक्षित, सहिला चड्ढा शामिल थे और ये फिल्म 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक डिजास्टर मूवी करार दिया गया। और व्यूअर इसी तरह डायरेक्टर अहमद सिद्दीकी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जय संतोषी माँ। फिल्म की लीड कास्ट में राकेश बापट, नुसरत भरूचा, राज खान, सहिला चड्ढा शामिल थे और यह फिल्म 29 सितंबर 2006 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 4 करोड़ 25 लाख और इसने इंडिया में सिर्फ 22 लाख के कलेक्शन किए थे और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। के अजय कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी तुलसी। फिल्म की लीड कास्ट में मनीषा कोरैला, इरफान खान और सहिला चड्ढा शामिल थे। ये फिल्म 18 जनवरी 2008 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और इसने इंडिया में सिर्फ 85,000 की कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। दीपक बलराज वेज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मालिक एक। फिल्म की लीड कास्ट में जेकी श्रॉफ, मनोज कुमार, दिव्या दत्ता और इसके अलावा सहिला चड्ढा भी इस फिल्म का हिस्सा थी। ये फिल्म 29 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और इसने इंडिया में सिर्फ 7 लाख के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी करार दी गई और यही एज एन एक्ट्रेस सहिला चड्ढा की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। तो और एज एन एक्ट्रेस सहिला चड्ढा 29 मूवीज का हिस्सा रही है जिनमें से उनकी एक मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, एक मूवी ब्लॉकबस्टर, एक मूवी हिट, एक सीमी हिट, 6 मूवीज एवरेज और 1 बिलो एवरेज रही, 9 मूवीज सहिला चड्ढा की फ्लॉप और 9 डिजास्टर रही। तो इस हिसाब से उनका सक्सेस रेशो बनता है 37.93%। लेकिन इनमें सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर उनकी मूवीज ज़्यादा बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई हैं। एज अ मेन एक्ट्रेस सहिला चड्ढा की मोस्टली मूवीज फ्लॉप या डिजास्टर रही हैं। तो यूर एज एन एक्ट्रेस सहिला चड्ढा की इन 29 मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और सहिला चड्ढा की जोड़ी आपको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के किस एक्टर के साथ ज़्यादा पसंद थी, कमेंट सेक्शन में सिलसिले में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड ऐसा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप ही को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में साथ स्टार्टर्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।